हेलो एवरीवन, हम लोग इनर्शिया फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और इनर्शिया फोर्स क्या था कि जब भी कोई बॉडी ऑफ मास एम एक्सीलरेट करता है वो एक झुटमुट का फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ इट्स मास और इनर्शिया। जब भी कोई मास एम ए एक्सीलरेशन में जाता है उसके ऊपर एक शूडो फोर्स का फीलिंग आता है। अब जब भी कोई फोर्स है तो फोर्स के बारे में तीन चीज जानना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जो इनर्शिया फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, इट इज अपोजिट टू द एक्सीलरेशन। बॉडी जिधर को जा रहा होगा इनर्शिया फोर्स उल्टा है। मैग्नीट्यूड क्या है, एम इंटू ए है ना। अगर मास एम ए एक्सीलरेशन में जा रहा है तो इनर्शिया फोर्स हो जाएगा एम इंटू ए। मतलब अगर हम कहेंगे कोई 5 kg के मास 2 m/s² में जा रहा है तो शूडो फोर्स कितना हो गया, 5 × 2 = 10 N। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू एक्सीलरेशन। और कहाँ पे एक्ट करता है, एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। और हमें यह भी मालूम है कि मैं अगर किसी एक वोइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता हूँ इनसाइड ए लिफ्ट, अगर लिफ्ट ऊपर जाने लगेगा एक्सीलरेशन ए में तो वोइंग मशीन में रीडिंग क्या आएगा, मेरा वेट उसके साथ साथ शूडो फोर्स, क्योंकि मैं ऊपर एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो शूडो फोर्स नीचे की तरफ होगा। तो रीडिंग आता है mg + ma। सो व्हेन ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट एक्सीलरेट्स अपवर्ड, रीडिंग इन द मशीन बिकम्स mg + ma। एंड सिमिलरली व्हेन द सेम मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम वेइंग मशीन इनसाइड द सेम लिफ्ट गोज डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ए, इट एक्सपीरियंस और द रीडिंग इन द मशीन बिकम्स mg - ma। ये सब चीज आपको मालूम है, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस एक्स्ट्रा एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट को अभी हम लोग सीधे सीधे लिफ्ट के साथ करेंगे। तो हम 11th फ्लोर पे है, 11th फ्लोर से उतर के अभी हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। तो ये स्विच 1 में प्रेस किया, चलो आप लिफ्ट के अंदर देखते हैं। अब हम 11th से 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं तो रीडिंग क्या होना चाहिए, नीचे जा रहे हैं तो मेरा रीडिंग घटना चाहिए वेइंग मशीन में, क्योंकि वो mg - ma वाला कंसेप्ट सबको समझ में आता है। अब मेरे पास ये वेइंग मशीन भी है, देखो ये मेरा वेइंग मशीन है, इसमें हम अपना रीडिंग देख चुके हैं, पहले से भी देख चुके हैं, इसमें 84.3 था रीडिंग। अब सेम वेइंग मशीन हम यूज करने वाले हैं देखने के लिए कि क्या होगा एक्चुअल रीडिंग व्हेन आई एम इनसाइड द लिफ्ट। अब दरवाजा बंद होने वाला है और मैं फिर खड़े होने वाला हूँ। देखो लिफ्ट बंद हो चुका है, मेरा रीडिंग पहले कितना 84 था, नहीं अब लिफ्ट चला, अरे 79 हो गया मेरा वेट, मेरा वेट घट गया है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, सो नाइस। अरे तो फिर से नॉर्मल हो गया मेरा वेट, ओ नॉर्मल वेट हो गया, लेकिन अभी लिफ्ट रुकने वाला है और मैं देख रहा हूँ मेरा वेट आसपास है, मेरे एक्चुअल वेट का आसपास है। अब ये वेट मेरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो तो 89.2 हो गया, 89.8, वाओ मेरा वेट बढ़ गया है, फिर से नॉर्मल हो रहा है, लिफ्ट रुक चुका है, वेट नॉर्मल हो चुका है। तो क्या देखे हम लोग, जब ऊपर से नीचे जा रहे थे मेरा वेट क्या होना चाहिए, लिफ्ट में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक्सीलरेट होगा तो वेट घटना चाहिए, लेकिन हम देखे कि पहले हमारा वेइंग मशीन का रीडिंग घट गया, फिर मेरा नॉर्मल वेट आ गया, फिर वेट बढ़ गया, जब तक हम नीचे पहुंचे फिर नॉर्मल हो गया। तो रास्ते में क्या हुआ, पहले मेरा रीडिंग वेइंग मशीन में घटा, फिर नॉर्मल हुआ, फिर रीडिंग बढ़ गया। क्या आप इस रीडिंग को सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि ऐसे क्यों हुआ, जब मैं लिफ्ट से ऊपर से नीचे जा रहा था तो मेरा रीडिंग को डिक्रीज आना चाहिए, mg- में आना चाहिए, लेकिन मैं पहले देख रहा हूँ मेरा रीडिंग घट रहा है, फिर कॉन्स्टेंट हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू।